हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए आज 15 सितंबर 2019 के करंट अफेयर्स का सीज़न लेकर आई हूँ। इस सीज़न में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 15 सितंबर 2019 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, के साथ ही मैं उससे रिलेटेड जितने सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकेगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग ये सीज़न एंड तक देखिए और भी बिना स्किप किए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का सीज़न और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने अंतरिक्ष में पहली बार भेजे गए अपने ह्यूमेनॉइड रोबोट फेडोर की सेवा समाप्त कर दी है। सबसे पहले तो जान लें कि ह्यूमेनॉइड रोबोट क्या होता है। तो ह्यूमेनॉइड रोबोट वह होता है जो इंसानों के जैसा होता है। तो वह कौन सा देश है जिसने अपने अंतरिक्ष में पहली बार भेजे गए अपने ह्यूमेनॉइड रोबोट फेडोर की सेवा समाप्त कर दी है? तो वह देश है रूस। रूस ने जो ये ह्यूमेनॉइड रोबोट है वह 22 अगस्त को लॉन्च किए हुए सोयूज MS-14 स्पेसक्राफ्ट के जरिए स्पेस स्टेशन में भेजा था। इस रोबोट को वहाँ अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए भेजा गया था, लेकिन अब रूस ने इसकी सेवा समाप्त कर दी है। अब हम लोग रूस के बारे में कुछ एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो जान लें। रूस की कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर है दमित्री मेदवेदेव और करेंसी जो यहाँ चलती है वह चलती है रशियन रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमन में UN मिशन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यमन में जो UN मिशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है वह किया गया है अभिजीत गुहा को। यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने हाल ही में भारतीय सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत गुहा को यमन में यूएन मिशन का प्रमुख नियुक्त किया है। इन्हें यमन के हुदैदा शहर में नियुक्त किया गया है। इनसे पहले जो यह जिम्मेवारी थी वह लेफ्टिनेंट जनरल माइकल ललिसगार्ड संभाल रहे थे। माइकल ललिसगार्ड जो हैं उन्होंने इस पद पर 31 जनवरी से 31 जुलाई 2019 तक इसका जो पदभार है वो संभाला। अभिजीत गुहा हुदैदा समझौते को सहायता देने वाले UN मिशन की अगुवाई करने के साथ ही पुनर्स्थापन समन्वय समिति यानी RCC के अध्यक्ष पद भी संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस पर हिंदी भाषा के उत्थान तथा विकास के लिए गोष्ठी आदि आयोजित की जाती है। इस दिवस का उद्देश्य है देश के लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक करना। इस वर्ष जो है नई दिल्ली में विश्व हिंदी परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस सम्मेलन में मॉरिशस, उज्बेकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका सहित 6 देशों के हिंदी प्रेमियों ने भाग लिया। अब हम लोग हिंदी दिवस के इतिहास के बारे में कुछ जान लें। तो हिंदी दिवस जो है वो हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये हम लोग जानते हैं। संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को एक मत से निर्णय लिया गया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। कब यह निर्णय लिया गया? तो यह निर्णय लिया गया 14 सितंबर 1949 को। इसी अहम निर्णय के महत्व को बताते हुए तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के उद्देश्य से साल 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी के प्रति लोगों को उत्साहित करने के लिए हिंदी दिवस के मौके पर पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया जाता है और इसमें जो है जो जिन्होंने भी हिंदी के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो उन चयनित व्यक्तियों को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार तथा राजभाषा गौरव पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि पहला आधिकारिक हिंदी दिवस जो मनाया गया था वह मनाया गया था 14 सितंबर 1953 में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि वर्ल्ड बैंक ने पूरे भारत में फूड पार्क के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी? तो वर्ल्ड बैंक ने जो पूरे भारत में फूड पार्क के लिए जितने रुपए की मंजूरी दी है वो है 3000 करोड़ रुपए। वर्ल्ड बैंक जो है पूरे भारत में मिनी और मेगा फूड पार्क के लिए 3000 करोड़ रुपये की सहायता राशि देगा। यानी वर्ल्ड बैंक भारत में मिनी तथा मेगा फूड पार्क बनाने के लिए 3000 करोड़ रुपये देकर भारत की सहायता करेगा। इसकी जो घोषणा है वो इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स नॉर्थ इंडिया काउंसिल यानी IACCNIC न्यू दिल्ली में आयोजित 15वें इंडो USA इकोनॉमिक समिट में जो भारत के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा की गई थी। हम लोग जान लेते हैं कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तथा उद्योग राज्य मंत्री कौन है? तो है रामेश्वर तेले। हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ जान ले तो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन हैं डेविड मलपास। वर्ल्ड बैंक जो का जो फाउंडेशन हुआ था वह हुआ था जुलाई 1900
1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC जो कि है USA में। अब हम लोग जब USA की बात आई तो USA के बारे में भी जान लें कुछ। तो USA की कैपिटल है वाशिंगटन DC, लार्जेस्ट सिटी है न्यूयॉर्क सिटी, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, और करेंसी की बात चले तो यहाँ की करेंसी है डॉलर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का चांसलर किसे नियुक्त किया गया है। यह जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, यह हरियाणा का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। तो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर नियुक्त किया गया है? तो वह है कपिल देव। हरियाणा सरकार ने पूर्व क्रिकेट प्लेयर कपिल देव को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राय सोनीपत का पहला चांसलर नियुक्त किया है। हरियाणा विधानसभा ने हाल ही में राय में हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया। कपिल देव जो है वह भारत के 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम के कैप्टन थे। अब हम लोग हरियाणा के बारे में कुछ जो जानकारी है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़, और हरियाणा स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ था वह हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट है 22 यानी कि 22। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किस जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया गया। मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो जल विद्युत परियोजना है इसका शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू जी के द्वारा किया गया। तो इस जल विद्युत परियोजना का नाम है दिक्सी जल विद्युत परियोजना। यह जो जल विद्युत परियोजना है वो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिक्सी गांव में स्थापित की गई है, इसलिए इसका नाम दिक्सी जल विद्युत परियोजना रखा गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिक्सी गांव में स्थापित की गई है। यह जो जल विद्युत परियोजना है यह 24 मेगावाट की है। इसमें लगभग 430 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर, CM है पेमा खांडू। यह जो स्टेट बना वह बना 22 फरवरी 1987 को। यहाँ के गवर्नर है BD मिश्रा, और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट है 25। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि जन सूचना पोर्टल 2019 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया। तो वह जो राज्य है जिसने जन सूचना पोर्टल 2019 लॉन्च किया है वह राज्य है राजस्थान। RTI यानी सूचना के अधिकार को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। यह एक सार्वजनिक सूचना पोर्टल है जो जनता को सरकारी अधिकारियों तथा विभागों के बारे में जानकारी देगा। राजस्थान के बारे में कुछ जान लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर जो कि लार्जेस्ट सिटी भी है यहाँ की। राजस्थान जो बना था स्टेट वह बना था 30 मार्च 1949 को। यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र, चीफ मिनिस्टर ने अशोक गहलोत, और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने हरित पहलों के मूल्यांकन के लिए CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के साथ समझौता किया है। तो वह जो मंत्रालय है जिसने CII के साथ हरित पहलों के मूल्यांकन के लिए समझौता किया है वह है रेल मंत्रालय। समझौते का उद्देश्य है रेलवे की संपत्तियों तथा विनिर्माण केंद्र एवं रेलवे कार्यशालाओं में ऊर्जा दक्षता का कायाकल्प करना। अब हम लोग जान लेते हैं कि रेलवे मिनिस्टर कौन है भारत के। तो केंद्रीय रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बारे में जान लें तो यह बना था 1895 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। प्रेसिडेंट है विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सूखे की समस्या से निपटने के लिए ड्रॉट टूल बॉक्स की घोषणा की गई। तो वह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें सूखे की समस्या से निपटने के लिए ड्रॉट टूल बॉक्स की घोषणा की गई। तो वह सम्मेलन है UNCCD COP14। मरुस्थलीकरण के संकट से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCCD के सभी सदस्य देशों की बैठक में सूखे की समस्या से निपटने के लिए ड्रॉट टूल बॉक्स जारी किया गया। UNCCD का फुल फॉर्म जान ले तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। ड्रॉट टूल बॉक्स क्या है? तो इसका उपयोग कमजोर देशों द्वारा सूखे के जोखिम को कम करने के लिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य सूखे के लिए लोगों और पारिस्थितिकी प्रणालियों की लचीलापन को बढ़ाना है। UNCCD के बारे में कुछ जान ले। इसका फुल फॉर्म मैंने अभी बताया, एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, आप लोग ध्यान रखेंगे।
यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। इसे 1994 यानी 1994 में स्थापित किया गया। यह पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अब हम लोग कॉप 14 के बारे में कुछ जान लें। यह यूएनसीसीडी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और इसके जो टोटल मेंबर हैं वो 197 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इसका मुख्य कार्य पार्टीज द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना तथा सिफारिश करना है। सीओपी की जो बैठक है वह 2001 से हर दो वर्ष पर आयोजित की जाती है। पिछली बार सीओपी 13 जो है यानी कॉप 13 जो सितंबर 2017 में चीन के ऑर्डोस में आयोजित किया गया था। मैं आपको बता दूं कि सीओपी यानी कॉप का जो पहला सत्र है वह 1997 में रोम जो कि इटली में है वहाँ आयोजित किया गया था। और 2017 में कहाँ आयोजित किया गया, तो यह किया गया चीन के ऑर्डोस में। मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत जो है वो अगले दो वर्ष यानी 2019 से 21 तक के लिए कॉप की अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस स्टेडियम में विराट कोहली पवेलियन स्टैंड बनाया गया है। तो वह कौन सा स्टेडियम है भारत का जहाँ पे विराट कोहली पवेलियन स्टैंड बनाया गया है। तो वह जो स्टेडियम है वो है अरुण जेटली स्टेडियम जो कि न्यू दिल्ली में है। आप लोग जानते ही होंगे कि इसका पुराना नाम है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसे हमारे जो दिवंगत वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली उनके नाम पर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया। और आप लोगों को पता ही होगा कि अरुण जेटली जो है वो DDCA के पूर्व अध्यक्ष भी थे, तो उनके नाम पर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल कर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया। तो अब अरुण जेटली स्टेडियम में जो पवेलियन स्टैंड है एक उसका नाम होगा विराट कोहली पवेलियन स्टैंड। क्रिकेट में बेमिसाल योगदान के लिए अरुण जेटली स्टेडियम के एक नए पवेलियन स्टैंड का नाम विराट कोहली के नाम पर रखा गया। इस मौके पर अंडर 19 खिलाड़ी से लेकर उनके इंडियन कैप्टन बनने तक के सफर को वीडियो के जरिए दिखाया गया। फ्रेंड्स आई होप ये सेशन आप लोगों ने इन्जॉय किया हो। अगर ये सेशन आप लोगों ने इन्जॉय किया हो तो इसे प्लीज़ एटलीस्ट 1000 लाइक दें, और अगर इसके रिगार्डिंग कोई सजेशन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।